स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। Hey everyone, welcome to online theory. I am your state exam expert और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के स्पेशल करंट अफेयर्स की। बिकॉज बिहार का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, दिसंबर में एग्जाम है, अक्टूबर नवंबर बस दो ही महीने हैं हमारे पास में, तो इस टाइम को हमको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है कि जो दिसंबर का एग्जाम है वो हमारा क्रैक हो जाए हर हाल में। तो आई होप आप लोगों की जीएस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी इस सीरीज में, जिसमें हर ट्यूसडे को आपको एक बिहार स्पेशल वीडियो मिलेगा। मैं कवर अप करूंगी बिहार के करंट अफेयर्स और फिर उसके बाद में हम लोग मूव ऑन करेंगे बिहार की जीके की तरफ। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं बिहार के स्पेशल करंट अफेयर्स की। और पहली बात तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेशन है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा गया है, मतलब जो पॉइंट्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बायलिंगुअल है। कहीं पर आपको सिर्फ हिंदी के पॉइंट्स मिलेंगे, पर एक्सप्लेन मैं इस तरीके से करूंगी कि जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो और जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये बात मैं मान करके चलती हूँ कि बिहार पीसीएस के लिए जो कैंडिडेट्स हैं या बिहार के जो एग्जाम्स के लिए कैंडिडेट्स हैं उनमें से मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स हिंदी भाषी होंगे या जो हिंदी में कंफर्टेबल होंगे, इसलिए इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखने की कोशिश करी गई है। और तीन चार ही टॉपिक्स लिए हैं करंट अफेयर्स के, जो कि जनवरी फरवरी के मंथ के इंपॉर्टेंट बिहार के करंट अफेयर्स हैं। उन तीन चार टॉपिक्स को ही मैंने कोशिश करी है कि मैं डिटेल में पढ़ाऊं, जिससे उसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े कभी इन टॉपिक्स को। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार के स्पेशल करंट अफेयर्स, वो करंट अफेयर्स जो कि पर्टिकुलरली फोकस्ड है बिहार पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो फोर्थ इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस, ये यानी कि चौथी धर्मा धम्मा सम्मेलन, ये आयोजित हुआ था नालंदा में, राजगीर नालंदा में, और इसका इनॉग्रेशन किया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो इसका टॉपिक था, जो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था, दैट इज स्टेट एंड सोशल ऑर्डर इन धर्मा धम्मा ट्रेडिशन, अर्थात धर्म धम्म परंपराओं में राज्य और सामाजिक आदेश पर, ये चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। तो एग्जाम के लिए देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हमको इम्पोर्टेंट ही मिलता है कि ये फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कहाँ पर आयोजित करी गई थी, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में आयोजित करी गई थी, और किसके द्वारा आयोजित करी गई थी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने आयोजित ही इसका इनॉग्रेशन यानी कि इसका उद्घाटन किया था। अब इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इस कॉन्फ्रेंस को खास बनाती है वो ये कि आसियान भारत वार्ता भागीदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है आसियान, तो ये आसियान एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के ये आता है कि आसियान भारत की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो डायलॉग पार्टनर्स हैं आसियान की मेंबर कंट्रीज और इंडिया, तो इनके 25 ईयर्स के कम्प्लीशन पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे देखिए आसियान के बारे में बोला गया है, तो एग्जाम में जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछ लिया, WTO, WHO, आसियान, तो वो इन्हीं करंट अफेयर्स में से निकल करके आता है कि अगर आसियान से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन आपसे पूछा जा रहा है यानी उसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है तो वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में या न्यूज में होगी, इसलिए वो पूछी गई है। तो यहाँ पे आसियान के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग आसियान के बारे में भी अभी पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या होता है आसियान। उसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सम्मेलन का आयोजन जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था, और उसके साथ साथ इसमें जो सहभागी थे यानी कि जो सहयोग जिनके सहयोग से किया गया था उसमें सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी और इंडिया फाउंडेशन, विदेश मंत्रालय, इसके साथ साथ वियतनाम बौद्ध विश्वविद्यालय, ये लोग थे, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, बॉडीज थी, जिनके सहयोग से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं
कि आसियान क्या है, बेसिकली जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है ये क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। एक बारी मैं आपको मैप में दिखा दूं कि ये देखिए जो आसियान मेंबर कंट्रीज है हमारी वो ये रही, ये सारी हमारी म्यांमार, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई देरुसलाम ये पूरा नाम है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया एंड थाईलैंड, ये पूरी की पूरी 10 कंट्रीज हैं, 10 देश हैं जो कि आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं। जो साउथ ईस्ट आपका रीजन पड़ता है अगर हम मैप में देखें तो यहाँ पे ये रहा हमारा इंडिया, ये देख सकते हैं आप, ये रहा इंडिया, श्रीलंका, और इसके बाद में इधर पे जो ये साउथ ईस्ट कंट्रीज पड़ती हैं इनकी मेंबर कंट्रीज हैं ये, जिनको ग्रुपिंग करके बोला गया है आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो हमको इसमें सदस्य राष्ट्र के नाम पता चल गए, 10 सदस्य राष्ट्र हैं। इनमें से क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इनमें से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि ऑप्शंस में आपको दे दिया म्यांमार, लाओस, वियतनाम और भारत या फिर श्रीलंका। अब आपको बताना है इनमें से कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो आपको इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए मेंबर कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसकी बहुत सारी मेंबर कंट्रीज है, 100 150, तो उन सबके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें याद करने के लिए होता है जो लास्ट एडेड या रिसेंटली एडेड जो कंट्रीज हैं उनके नाम। यहाँ पे कम कंट्रीज हैं तो इसलिए हम इन कंट्रीज के नाम याद रख लेंगे कि इनमें से पूछा जाए तो हम हर तरीके से तैयार रहें। अब ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यानी कि ये जो 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है, इनका उद्देश्य है आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कायम करना। इसका मुख्यालय देखिए भाई, स्टेटमेंट में इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे, मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो आसियान का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1947 को करी गई थी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इसके संस्थापक सदस्यों में पहले इसमें 10 मेंबर कंट्रीज नहीं थे, इसके संस्थापक सदस्य 5 थे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड यहाँ ये रहा थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, ये इसके 5 संस्थापक सदस्य थे। और उसके बाद में फिर ब्रुनेई इसमें ऐड हुआ 1984 में, 1995 में वियतनाम और फिर 1995 में लाओस और बर्मा इसके सदस्य बने। तो यहाँ पे 10 मेंबर कंट्रीज के नाम हमें याद हो गए, ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर ये शुरुआत में थे और वियतनाम, लाओस, बर्मा इसके बाद में सदस्य बने, ब्रुनेई ये सब इसके बाद में सदस्य बने। अब इंडिया का रोल क्या है इसमें, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, कि इंडिया इसमें एक डायलॉग पार्टनर है जिसकी अभी हमने वर्षगांठ मनाई जो जनवरी में बिहार में मनाई गई, तो इसका डायलॉग पार्टनर 25 वर्ष उसके कंप्लीट हुए थे, इस उपलक्ष में वो सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1994 में इंडिया जो है एशियाई क्षेत्रीय फोरम यानी कि एशियन रीजनल फोरम की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था और इसमें अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान जैसे अप्रोक्स 23 मेंबर्स हैं इस एशियाई रीजनल फोरम में। तो यहाँ पे हमारे लिए एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो आप लोगों को भी याद रखना है कि भारत इसमें एज अ डायलॉग पार्टनर है, भारत इसका सदस्य नहीं है, जहाँ पे हम लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। तो ये था हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कि 4th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था नालंदा के डिस्ट्रिक्ट में बिहार में। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, ये है नॉर्थ कोयल रिजर्व प्रोजेक्ट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन हैज इंक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बिहार झारखंड फॉर कंप्लीशन ऑफ बैलेंस वर्क ऑफ नॉर्थ कोल रिजर्व प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की जो लागत है, ये नॉर्थ कोल जो है, ये कोयल एक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है,
उसके संबंधित ये रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट है जो कि झारखंड और बिहार के बीच में है। इस पूरे जो प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है वो है 1600 करोड़ रुपए, 1600 अप्रोक्स करोड़ रुपए। इसमें जो कि बचे हुए कार्य हैं इस परियोजना के उसको पूरा किया जाएगा और इसमें मदद करेंगे भारत सरकार का जो जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय है वो, बिहार तथा झारखंड राज्य, इन तीनों के बीच में सहमति ज्ञापन हुआ है, यानी कि सहमति पत्र पे हस्ताक्षर हुए हैं। ये नदी है जिसके काम को पूरा किया जाएगा कि जिस तरीके से इसको हम रिजुविनेट कर सके, जो रिजर्व ऑयल है उसके प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब इसमें जब भी इस तरीके के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आते हैं या फिर जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको ये याद रखना होता है कि इसका जो धन पोषण है वो कहाँ से होगा, जो इसकी अनुमानित लागत है उसमें किस किस का कितना कितना शेयर होगा, ये सारी चीजें हमको फोकस करनी होती है। तो यहाँ पर उत्तर कोल जलाशय परियोजना के लिए दीर्घकालिक सिंचाई कोष, अब देखिए यहाँ पे फंडिंग जो है वो है दीर्घकालिक सिंचाई कोष, यानी कि जो एक इस तरीके का हम सिंचाई कोष बोल सकते हैं, LTIF के अंतर्गत बिहार और झारखंड की राज्य सरकारों के साथ राज्य हिस्से में धन पोषण के लिए भारत सरकार के जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय, जल विकास एजेंसी नाबार्ड तथा बिहार और झारखंड राज्य सरकारों के बीच एक पूर्व सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बॉडीज के नाम हैं जिनको आपको याद रखना है। अब इसमें जो फंडिंग है इस पूरे प्रोजेक्ट में वो है 1622 करोड़ रुपए की, जो कि अनुमानित लागत है। अब इसमें से करीब 1000 करोड़ रुपए जो है वो भारत सरकार की प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से आएंगे दीर्घकालिक सिंचाई कोष में, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल करके आ रहा है कि जो 1600 करोड़ रुपए हैं इसमें से करीब 1000 करोड़ रुपए जो है वो हमारे आएंगे प्रधानमंत्री सिंचाई कोष से, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कोष से, और बाकी के जो हिस्से हैं उसमें झारखंड के हिस्से के रूप में 609 करोड़ रुपए की शेष लागत और 365 करोड़ रुपए LTIF देगी, ठीक। तो यहाँ पे टोटल ले रहा और बाकी जो 40% का शेष राशि है वो दिया जाएगा राज्य नाबार्ड के द्वारा ऋण के रूप में। तो यहाँ पे हमने फंडिंग्स की बात करी है कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा। अब हम लोग एक नदी की बात कर रहे हैं तो इस नदी का या जो ये परियोजना है इसका बैकग्राउंड भी हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस कोल परियोजना का निर्माण 1972 में शुरू हुआ था लेकिन फिर इसको 1993 में रोक दिया गया था। यह परियोजना सोन नदी की सहायक नदी उत्तर कोल नदी पर है और इसे झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले तथा बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में अत्यधिक पिछड़े तथा सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में वार्षिक रूप से करीब हम यहाँ पे देखिए 111,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो सकेगी। तो ये सिंचाई के लिए परियोजना है जिसमें कुछ जिलों के नाम दिए गए हैं झारखंड और बिहार, उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए वो खास करके वो क्षेत्र जो अत्यधिक पिछड़े हुए हैं और जहाँ पे सूखा बहुत अधिक पड़ने की संभावना रहती है वहां पर सिंचाई के लिए परियोजना शुरू करी गई थी 1972 में, पर इसको रोक दिया गया था। अब वापस इसको शुरू किया जा रहा है, जनवरी की न्यूज है, तो वापस से इसको शुरू किया जा रहा है जिसको शुरू होने के 30 महीने के अंदर अंदर ही सरकारों को पूरा करना है। तो ये देखिए ये रही हमारी जो न्यूज थी ये नदी परियोजना से संबंधित, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है और आपको समझ आ रहा है तो लाइक बटन पे भी प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए। एंड नेक्स्ट इज ई सिगरेट्स। ई सिगरेट का जो बैन है वो बिहार सरकार ने लगाया है।
यानी बिहार सरकार ने ई सिगरेट्स को बैन कर दिया था कि किसी भी तरीके की लूज सिगरेट्स ई सिगरेट्स को बैन कर दिया गया है। और ये जो कार्यक्रम है ये तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को बल प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। अब बिहार में क्या हुआ है, ई सिगरेट की खरीद बिक्री विज्ञापन निर्माण भंडारण वितरण इत्यादि चीजों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है, यानी कि ना ऑनलाइन खरीदा जा सकता है ना ही ऑफलाइन इसको खरीदा जा सकता है, मतलब कि शॉप्स पे जाकर के नहीं खरीदा जा सकता है। किसी प्रकार से इसका विज्ञापन नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, कोई इसका भंडारण नहीं कर पाएगा और किसी भी तरीके का वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। इन सब पर कंप्लीटली रोक लगा दी है। अब ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार देश का 8वां राज्य है। इससे पहले पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, इन सब पर भी ई सिगरेट पर पाबंदी लग चुकी है। और ई सिगरेट के साथ साथ जो कि निकोटिन युक्त उत्पाद हैं और जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अनुमोदित नहीं है उन पर भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, उनको भी, और मतलब कि उनको भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे आइटम्स जिनमें निकोटीन पाया जाता है और जो कि जिनका अनुमोदन नहीं है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, उनको भी यहाँ पे बिहार में कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट किया था कि भाई ई सिगरेट्स होती क्या है, क्या पता एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि ई सिगरेट क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ई सिगरेट जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बोलते हैं। ये दिखने में तो सिगरेट जैसे नॉर्मल हमारी सिगरेट्स होती है उसी की तरह लगती है, पर इसमें एक बैटरी और एक कार्ट्रिज होती है और इस कार्ट्रिज में निकोटिन युक्त तरल पदार्थ होता है जो कि बैटरी की सहायता से गर्म होकर निकोटिन को भाप कर देता है, यानी कि उसको स्टीम में वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए निकोटीन जो हमारी नॉर्मल सिगरेट्स होती है उसमें भी निकोटीन पाई जाती है जो कि हार्मफुल होती है, हैजार्डियस होती है हेल्थ के लिए, और वही निकोटीन यहाँ ई सिगरेट्स के कार्ट्रिज में प्रेजेंट होता है जिसको बैटरी की सहायता से ये गर्म हो जाता है, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको धुएं की तरह लोग पीते हैं। तो ये पूरा जो था ई सिगरेट का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए ये तीन इम्पोर्टेंट न्यूज जो थी ये आपको जनवरी फरवरी के मंथ की इम्पोर्टेंट बिहार से रिलेटेड थी जिनको आज हमने इस सेशन में डिस्कस किया है। अब इन द एंड ऑफ द सेशन मेरे आप लोगों से 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क में जो कि बिहार के जीके से रिलेटेड हैं, जो कि हाँ मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी सेशन के साथ साथ अपनी जीके भी तैयार करते रहें। तो इन क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको दूंगी नेक्स्ट बिहार के सेशन में, बिहार का जो ट्यूजडे को सेशन होगा उसमें, बट आप लोगों को तब तक इसके आंसर्स को कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पशु क्या है? दूसरा क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है कौन सा जिला है ये आपको लिखना है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं ये? और लास्ट क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, यानी बिहार और झारखंड का डिवीजन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए रखा है क्योंकि आज हमने बिहार और झारखंड से रिलेटेड एक नदी की बात करी है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि बिहार झारखंड से कब पृथक हुआ था। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहिए। सर्च करिए, लिखिए, आंसर जो करेक्ट होंगे वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको डिस्कशन भी करूंगी, किस किसने करेक्ट आंसर दिया है वो भी मैं डिस्कस करूंगी बताऊंगी, और आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट बिहार के सेशन में। तो तब तक के लिए इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और बिहार पीसीएस की तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।